दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो प्रॉफिट है वो 1400 है। मैंने ऑप्शन भी दिया था, एक पुट ऑप्शन बाय करने के लिए बोला था, पोजीशन शॉर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पीछे आप देख रहे हो बड़ा स्क्रीन लगा है एंड मैं पूरा सेटअप वीडियो तुरंत ही भेजने वाला हूँ। आप देख सकते हैं, थोड़ा आप पेशेंस कर रखते हैं तो जो प्रॉफिट है आप कमा सकते हो। थोड़ा इंतज़ार करना सीखो, क्या होता है कि लोग इंतज़ार नहीं करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी जो है फर्स्ट रेड कैंडल देने के बाद जो प्रीवियस डे क्लोज है उसको भी ब्रेक किया है, सीपीआर को भी ब्रेक किया है। अब यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करना है, इसका अगला टारगेट होगा S1। हालांकि जो फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग होता है यहाँ पे कर लेनी चाहिए, तो जो बड़े ट्रेडर है यहाँ पे फर्स्ट अपना 50% प्रॉफिट बुक करते हैं एंड 50% का राइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप इंतज़ार करो, मैं तो इंतज़ार करूँगा। यहाँ पे लगभग 40,230 तक इसका अगला सपोर्ट है, तब तक होल्ड करके रखूँगा मैं पोजीशन। अगर ये CPR ब्रेकआउट देता है तो बहुत बड़ा मुंह देखने को मिल सकेगा हमको। तो ये प्रॉफिट का मज़ा ही कुछ और होता है जब हम ये अपने स्क्रीन पे देखते हैं। ये भी देखिए और ये जो दिख रहा है वो भी देखिए। ओके, थोड़ा इंतज़ार का परिणाम है, मतलब थोड़ा सा इंतज़ार करो ताकि आपका जो टारगेट है वो मिल सके। देखो, दो लॉट, सिंपल मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, दो लॉट से ट्रेड करेंगे, 2000 का प्रॉफिट सफिशिएंट होता है। ये सिंपल क्यों बोल रहा हूँ, देखो इसमें कैपिटल लगता है 15,000 से अगर 2000 कमाते हो, यही सिखाता हूँ मैं, ज़्यादा सिखाता नहीं हूँ, बड़े बातें करना मुझे आता नहीं है, जो प्रैक्टिकल पॉसिबल है वही मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो 2000 का प्रॉफिट है, इतना आप प्रॉफिट बुक कर लो एंड आसानी से आप अपना दिन एंजॉय करते रहो। ये आप जब सीख गए तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। सेटअप के हिसाब से देखो, बैंक निफ्टी जो है CPR ब्रेकआउट भी दे दिया है, अभी रेड कैंडल दिया है, अभी यहाँ पे S1 के पास अगर आएगा तो हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर निफ्टी देखते हैं, निफ्टी भी R1 एंड प्रीवियस डे हाई दोनों को ब्रेक कर चुका है। एक करेज कब आएगा आपको होल्ड करने को, जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, प्रॉफिट के पैसों से आप ट्रेड करना सीखोगे तब ये करेज आएगा। वरना आप सैलरी डाल के करोगे तो ये इतना होल्ड करने का करेज नहीं बनेगा। ओके, तो इसके लिए आप थोड़ा सीखो, थोड़े छोटे अमाउंट से शुरू करना है। बड़े अमाउंट से करोगे तो डर लगेगा, धक धक फील होगा, छोटे अमाउंट से करो, एक लॉट से करो। हमारे कुछ ट्रेडर है जो 57 पॉइंट कमाया है, आप दुष्यंत जी है, हमारे CA साहब है, तो उन्होंने छोटे अमाउंट से शुरू किया, हालांकि उनका कैपिटल 1 करोड़ है, फिर भी एक लॉट से शुरू कर रहे हैं। तो बड़े लोग छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं एंड छोटे लोग ही होते हैं जो बड़ा कदम उठाने के चक्कर में नीचे गिर जाते हैं। ओके, प्लान के हिसाब से अभी एक छोटा अच्छा एक मुंह देगा नीचे की साइड पे, तब मैं बाहर निकल जाऊंगा। ओके, तो ये प्रॉफिट बढ़ने दो, अभी इंतज़ार करो, प्लान के मुताबिक ये चल रहा है, चलने दो, इसको रोको मत। मैं क्या बोला हूँ सैटरडे वेबिनार में, ऐसे सिचुएशन में दोनों हाथ कहाँ रखना है, याद आया है, मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ। देखिए, एक इन द मनी एंड एट द मनी, दो स्ट्राइक प्राइस मैंने लिए हैं एंड दोनों अच्छे चल रहे हैं। अब हालांकि अभी ये दोनों इन द मनी चले गए तभी मेरा प्रीमियम जो है इतना फास्ट बढ़ रहा है। अगर ये OTM रहता, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर OTM में बहुत मुनाफा होता है, देखो भाई OTM में तो मुनाफा होता है लेकिन वो गैम्बलिंग की तरह हो रही है, हर दिन नहीं होगा। ATM एंड OTM में फ़र्क होता है, ATM का डेल्टा 0.5 होता है, हालांकि OTM का जो डेल्टा होता है 0.3 होता है। जो ATM एंड इन द मनी जो इतना मुंह दे रहे हैं ना, वो OTM के स्ट्राइक प्राइस नहीं देते हैं। अब बैंक निफ्टी एक सपोर्ट के पास आया है, रेड लाइन जो है वो वीकली R1 है। ओके, एक समझना, कोई ट्रेडर कंफ्यूज होता है, नीचे वीकली CPR है, ऊपर R1 है, हालांकि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लेकिन मार्केट इतना ऊपर से आया है तो मोमेंटम फास्ट है, थोड़ा मार्केट और थोड़ा एक कैंडल नीचे दे सकता है। यूज्ड मार्जिन सिर्फ 13,000 है, 13,700 पे अगर 2000 कमा रहा हूँ तो ये कैसा रेशियो हो रहा है, थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान से सोचना आप। हमको क्या चाहिए, और 13,000 पे 200 मिल रहा है, 2000 मिल,
सब ऊपर बायर्स को ट्रैप करके करके आया है, तभी जाके ये इतना फास्ट मोमेंटम दे रहा है। अब देखो मार्केट हमारे 4000 के लेवल पे आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम इसको एग्जिट कर सकते हैं। ओके, हम एग्जिट करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट लेवल है वो निकल जाएगा। ओके, तो उससे पहले मैं एक बार चार्ट देख लेता हूँ, थोड़ा निफ्टी को भी देख लेते हैं। निफ्टी 180 रिवर्सल पैटर्न बना रहा है, मतलब रेड कैंडल के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद फिर रेड। तो रेड कैंडल अगर ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करेगा तो और एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, तो उसके लिए होल्ड करो। जो ग्रीन कैंडल में निकल जाते हैं ना वो डरे हुए ट्रेडर रहते हैं। हालांकि आपका टारगेट आया प्रॉफिट बुक करना अच्छी बात है, लेकिन जिस टाइम मार्केट दे रहा है उस टाइम होल्ड करना, ये बहुत स्ट्रांग माइंड चाहिए उसको, प्रैक्टिस से हो जाएगा। अब हमारा फाइनल टाइम आ गया है, ज़्यादा भी इंतज़ार करना गलती होती है मेरे मेरे दोस्तों। देखो इंतज़ार उतना ही करो जितना डाइजेस्ट कर पाते हो, ओके, वरना इतना इंतज़ार कर लेते हैं कि पूरा प्रॉफिट ही निकल जाता है। चलो अभी हमारा इंतज़ार करने का टाइम हो रहा है, अभी यहाँ पे 4000 जैसे ही जाएगा मैं निकल जाऊँगा, ओके, या 3500 भी। अभी ये मेरा एक प्लान है कि 3000 से नीचे नहीं जाने दूंगा, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐसे थोड़ा होल्ड करके रखता हूँ, तो अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मैं निकल जाऊँगा, ओके। तो ये हमारा प्रॉफिट में रहना बड़ी बात, अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट को बचाना एक हमारा कर्तव्य होता है, ओके, परम धर्म होता है। देखो आपका धर्म क्या है, कैपिटल को लूज नहीं करना है। चलिए अपना टारगेट आ गया है, अब मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है 4200, मेरे पीछे स्क्रीन पे भी देख सकते हो 4200 का प्रॉफिट मुझे काफ़ी है, एक लॉस दो प्रॉफिट। एंड होल्ड होल्ड कंट्रोल माय डियर फ्रेंड, कब कंट्रोल, जब प्रॉफिट में हो तब, ओके। तो ये रहा लेसन, कैसा लगा ये लर्निंग, हमारा जो लाइव मार्केट में लर्निंग होता है कुछ अलग होता है। देखो हमारा ऐसा बोरिंग नहीं रहता है, कुछ अलग होता है, कुछ वैल्यूएबल होता है। जल्दी से जल्दी सैटरडे वेबिनार तो फुल हो गया है, तो अगले सैटरडे का बैच अभी वो भी 50% फिलअप हो रहा है। इस संडे वेबिनार 10 से 12 बजे, 11 सीक्रेट ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी, होल्ड कैसे करें, साइकोलॉजी, चेंज योर माइंडसेट माय डियर फ्रेंड, चेंज एंड अपडेट योर सॉफ्टवेयर, कम ऑन रजिस्टर नाउ, ओनली 900, 900 रुपये में इतनी वैल्यू इंडिया में अगर कोई दे रहा है ना तो चेंज कर देंगे अपना नाम। 900 रुपये में इतनी वैल्यू दूंगा 1 लाख रुपये लेने वाला भी नहीं दे सकता है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।